क्या गायनेकोमेस्टिया अच्छी चीज है, क्या गायनेकोमेस्टिया बुरी चीज है, ये पेशेंट हमको पूछते हैं। और पेशेंट डिप्रेशन में कई बार जाते हैं और पेरेंट्स भी टेंशन में होते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो पढ़ना छोड़ देता है, थोड़ा डिप्रेशन में जाता है, इंट्रोवर्टेड हो जाता है, लोगों से मिलना कम करता है, उसकी जो एज होती है जिसमें उसको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसमें ये माइंड में लेके बैठ जाता है। ऐसे बहुत सारे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट हमारे पास आते हैं, और एज ए इमोशनल डॉक्टर और जो सेंसिटिव डॉक्टर होते हैं जो भी, हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि कई बार आप फोकस आपका जो डेविएट कर रहे हो। तो पहले तो ये सोचिए कि खराब चीज नहीं है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस से थोड़ा चीज होता है, पर डरिए नहीं, घबराइए नहीं, ये फिजियोलॉजिकल है। इंडिया में 30 से 35 करोड़ लोगों को गायनेकोमेस्टिया है, आप अकेले नहीं हो। पहले ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको कोई तकलीफ है। अगर बॉदर कर रहा है तो छोटी सी 30-40 मिनट की जीरो स्कार टेक्निक की प्रोसीजर होती है, उससे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। या सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, इसको सोचना छोड़ दो। अगर सोचना नहीं छोड़ पा रहे हो तो प्रोसीजर करा लो। ये गायनेकोमेस्टिया कभी भी खराब चीज नहीं है, माइंड में से आप इसको निकाल भी सकते हो। थैंक यू।